पशुपालक भाइयों नमस्कार। भाइयों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम आए हैं शकील डेयरी फार्म के नए फार्म पर। आप देख सकते हैं किसी भाई ने कमेंट भी किया था कि पूरा फार्म एक बार दिखाइए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। बहुत ही शानदार फार्म बना है और काफ़ी मेहनत काफ़ी रुपया लगा है इसमें, और भैया ने बनाया है इस तरह से बनाया है ताकि कोई भाई आकर यहाँ रुक भी सकता है। अगर कोई गाय खरीदता है दूध दुहाना है तो शाम को दुहाए सुबह फिर दुहा सकता है, रुक करके रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। तो बने रहिए, देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए हम तौफीक भैया से मिलाते हैं, गाय के बारे में जानकारी लेते हैं। कौन सी गाय किस नस्ल में है, क्या दूध देने की क्वालिटी है, कितनी रेट है किसकी, और इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भैया नमस्कार। भैया जी नमस्कार, और आपका स्वागत है हमारे नए वाले शेड पे दोबारा से। जी जी थैंक यू भैया। तो हम ये जानना चाहते हैं भैया, जो ये गाय चार अपने पास बदी हैं, बहुत ही बड़ी क्वालिटी में है, हाई क्वालिटी की गाय है चारों जी, तो इसमें से बिकी हैं या सेल के लिए हैं? सर जैसे इसमें जो चार एनिमल्स हैं, इसमें से दो एनिमल्स ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी और ये सेकंड टाइमर जी, ये हमारी बिक के जा रही है झारखंड में। अच्छा, झारखंड में हमारी हर हफ्ते की सेलिंग है, करीब 8-10 गाय हर हफ्ते ही जाती रहती है झारखंड में जी। तो ये झारखंड के लिए जा रही है, और दो गाय आपको दिखाएंगे जो अभी सेल के लिए नहीं, बहुत अच्छी गाय है जी। और ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में जानकारी दे दीजिए। सर ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, मुंह से दो दांत है। अच्छा, और इसको 67 सीमन लगा था, तो इसके नीचे बछड़ी बड़ी टॉप की आई है जी। जी ये एबीएस पाइपर की बछड़ी है, खड़ी करो इसको, इसका वेट चेक करिए, करीब 2 दिन की बियाई हुई बछड़ी है जी। और वेट ये आपके सामने करीब 40 किलो से ऊपर की है। सही। और फर्स्ट टाइमर बछड़ी दो दांत में, ये मान के चलते हैं ऐसी फर्स्ट टाइमर जैसे हम ही लाते हैं, हम ही बेचते हैं, बहुत सी गाय आती जाती रहती, लेकिन जिनकी तारीफ करने वाली होती है उन्हीं की तारीफ करते हैं। जैसे ये पहली बछिया है और इसकी इसकी हाइट आप अंदाजा लगा लीजिए, करीब 5.5 फुट के ऊपर जी। और प्योर ब्रीड में जी, प्योर ब्रीड में, थोड़ा आर्डर में सॉइलिंग है इस साइड में और थोड़ा सा और ये मिल्किंग से खाली हो गई, बाहर गाड़ी लगी हुई है, तो ये लोड करेंगे अभी ले जाके। अच्छा, टैग वगैरह लग गया, जो इनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं जी बाहर जाने की, वो सारी चीजें पूरी करके ही तब लोड करवा रहे हैं इनको जी। अच्छा, कुछ दिक्कत भी आ जाती है, जैसे भैया बाहर भेजना हुआ जी, कागज कोरम जो पूरा होता है, क्या क्या उसमें करना पड़ता है? देखिए सर, जिनका काम चंगा है, जो अच्छी चीज बेचते हैं, तो हमारे ख्याल से उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जी। बाकी जैसे फॉर्मेलिटीज की बात करें, तो इनमें इनका पूरा हेल्थ सर्टिफिकेट, इनकी ईयर टैगिंग और परमिट इनका, और प्लस में जो हमारे यहाँ बाजार कमेटी की पावती मिलती है, जिसको आम भाषा में रवन्ना कहते हैं, रवन्ना कहते हैं, वो रवन्ना दिया जाएगा, इनकी फोटो होगी और सेल परचेस करने वाले दोनों पार्टीज की फोटो, आधार की फोटोज लगती है जी। ये पूरी फॉर्मेलिटी, एक पूरी बुक बना के, पूरी बुक बना के हम लोग एनिमल्स भेजते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है। मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगा, ये जी। इसमें ये सारी चीजें हैं, ये तो हमारे यहाँ बाजार कमेटी का पावती हो गया, ये हेल्थ सर्टिफिकेट है, और फिर इधर ये दोनों पार्टी का, ये पार्टी का वो जो आधार होता है वो, और फिर इधर ये गाय की फोटो है, ये तो सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब है पूरी चीजें करके ही देते हैं, बराबर गाड़ी वाले और, सब लोग जा रहे हैं जी। और अपने अंडर में तकरीबन 10-20 गाड़ियां हैं जो बाहर के स्टॉक लेके जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती मेरे ख्याल से। ठीक है, तो थोड़ा सा गाय के बारे में और जानकारी दे दीजिए, दूध कितना कर देगी भैया लगभग? ये सर पहली बछिया तकरीबन मोटी मोटा मान के चलते हैं 30 kg भी दूध दुहा जाएगी, क्योंकि ब्रीड है, क्वालिटी यही चीजें, अगर ठंडी में आप परचेस करते हैं तो ये 35 kg भी दूध दे जाती, ऐसी नस्ल है, 2 दिन की बियाई हुई है, लेकिन फिर भी इसके नीचे करीब 18-20 kg अभी मिल्क रेडी है। अच्छा, और बहुत जल्दी पीक पकड़ लेगी, शरीर से खूब तैयार है, ब्रीड एक नंबर की है। और कितने रेट में बिकी है रेट? ये सर दो गाय बिकी है 2,25,000 रुपए का जोड़ा, इसको भी दिखा दीजिए, ये भी बहुत अच्छी गाय है, निकाल दो, ये सेकंड टाइमर है, पहले तो इसकी मिल्क वेन्स आप चेक कराइए एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स रेयर होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। वेन तो बाद में दिखाएंगे, पहले ऑर्डर क्वालिटी बहुत ही शानदार ऑर्डर की। हाँ इस साइड निकाल, हाँ इसका वेट ये लगा लो आप कि एनिमल से चला नहीं जा रहा है, ये देखिए, और 10-12 क्विंटल करीब में होगी। हाँ हाँ, बड़े आराम से, और
सीधी ठंडी भी प्रेग्नेंट है तब भी हाथ से भी अगर कोई चाहे मिल्किंग करना तो कर लेगी। और पीछे जिनसे हमने फार्म वाले से जिनसे हमने खरीदी है उनके रिकॉर्डिंग इसने करीब 30-32 किलो तक का दूध दिया है। 30-32 किलो जी फर्स्ट टाइम में। और 30 प्लस कह के ही हमने बेची है। बाकी ऐसी गाय 35 किलो दूध दुआ जाए तब भी कम है, 40 केजी भी दूध दे जाए तब भी कम है, तब भी कम है। क्वालिटी है इसमें जी। लंबी बढ़ा दो खूब दूर तक जी। बच्चा कितना टाइम लेगी करने में भैया? अभी भी सर ये मान के चलते हैं कि एक वीक तो निकाल देगी। जिस हिसाब से पीछे का लेवा अभी बनावा भरा नहीं है जी, तो उस हिसाब से आइडिया लगाते हैं। ये साइड वाली मिल्क वैन आप दिखा दीजिए, नीचे वाली जी, जो बड़ी बड़ी एचएफ गाय होती है 50-55 लीटर वाली, उनको लगती है ये। मेरे को सही कहा। और हाइट दिखा दीजिए, सामने वो खड़े हैं उनके हाइट के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजें आप लोगे, हम आपको 60-65 हजार 50-55 हजार वाली भी गाय दिखाते हैं जी। और अच्छे पैसे खर्चे करोगे, 4 के बजाय 2 एनिमल्स लेना चाहते हो तो ऐसी चीजें मिलेंगी आपको निसंकोच उसमें। और ये भी कहते हैं कि 2-3 गाय लेने से अच्छा है 1 गाय अच्छी ले लो। हाँ, 1 गाय आप बढ़िया चूज करो, अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है और केयरिंग अच्छी कर ले जाओ तो फिर हमारे ख्याल से ये सबसे अच्छी चीज होती है। एक चीज और हम इस गाय में देख रहे हैं भैया, जैसे हाँफ नहीं रही है जी, एचएफ गाय हाँफने लगती है, इतनी गर्मी बहुत। सब सर देखिए सब मैनेजमेंट का वो है जी, जैसे मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ एनिमल्स यहाँ रखने का रीजन क्या है जी? जैसे इनको मैनेजमेंट थोड़ा ठीक ठाक चाहिए तो इनको ठीक ठाक मैनेजमेंट के लिए इनको यहाँ रखते हैं। सही है जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसी गाय कितने में मिल जाएगी अगर ये मोटी मोटा मान के चलिए, अगर आप ऐसी गाय लेंगे तो लाख रुपए के पार ही चलना पड़ेगा आपको। लाख के पार जी, लाख के पार ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ठीक है भैया। बहुत ही शानदार देख सकते हैं, पूरे ऑर्डर में मिल्क वैन एकदम लगी हुई है और दोनों तरफ से मोटी मोटी, आपने देखा अभी, अच्छी गाय है। और हम अपने सभी व्यूअर्स से बताना चाहेंगे कि अगर अच्छी गाय लेना है तो शकील डेयरी फार्म पर आइए। नहीं, ऐसे तो बहुत डेयरी फार्मर हैं गाय बेच रहे हैं जिनका कोई भरोसा ही नहीं कहा जा सकता है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी है भैया कि 20 लीटर दूध देने की क्वालिटी है, 30 लीटर बता देंगे, 10 लीटर देगी तो 20 लीटर बता देंगे। हमने तो सर आपको करीब अपने ऐसे 50 कस्टमरों से मिलाया होगा जो हमारे पे हर हफ्ते रिपीट होते हैं, मतलब महीने का नहीं बता सकते, हर हफ्ते रिपीट होते होंगे। आप आते हैं, देखते हैं ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा मैटर करता है। अगर आप भरोसा मार्केट में नहीं बनाओगे जी तो फेल हो जाओगे आप। फेल हो जाएंगे जी, बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद अगली गाय देखिए। ये सर हम दोनों से, और ये मान के चलिए अभी काविंग कर दिया है और एट प्रेजेंट में इसके नीचे करीब 22-23 लीटर खीज रेडी है और मोटी मोटा ये मान के चलते हैं 30 केजी दूध दुआ जाएगी। एक आध लीटर अगर कम भी कर दिया भैया, क्या किया ये? परसों बच्चा दिया क्या है? मेल आया इसके नीचे, पहले तो इसके आर्डर की क्वालिटी बनाओ वगैरह देख लीजिए जी, बिल्कुल फिटनेस वाला आर्डर है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और लंबाई हाइट वगैरह जो ब्रीड के करेक्टरिस्टिक होते हैं एक एनिमल्स में, एक गाय जो परफेक्ट होनी चाहिए मेरे ख्याल से वो पूरी है। ये पूरी है, लेंथ है, हाइट है जी। चारों टिट्स के गैपिंग वगैरह आप चेक कर लीजिए, पैर बिल्कुल सीधे हैं। और बाबा रहने दो, बस करो भैया, स्वभाव ऐसा है इनका। हाँ, चाहे जैसे चाहे जब दूध हाँ, निकालो। ये स्वभाव की, ये ऐसी गाय अगर आप लेंगे तो ये स्वभाव की आपको ठंडी ही मिलेंगी। इनका बच्चा रहे या न रहे आप इनसे दूध लेते रहिए। दांत में है भैया क्या? जी दांत में 4 दांत है, लेकिन अपनी जानी हुई चीज है, फर्स्ट टाइमर बछड़ी। और मोटी मोटा इस ब्यांत में ये मान के चलते हैं 30 किलो के आसपास दूध करेगी, 1-2 लीटर कम भी हो सकता है, वो अपने डाइट के ऊपर। बिल्कुल, अपने खान पान पे आप किस तरह से इसको खुराक दे रहे हैं देखिए, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कीमत मांग रहे हैं भैया इसकी? ये सर 95 की मिल जाएगी, 95,000 रुपए की। और कुछ मान सम्मान? वो तो आने पे तो करना ही पड़ता है, करना ना भी कहो तब भी वो तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत ही शानदार देख सकते हैं पशुपालक भाइयों। और 4 गाय हैं, चारों गाय आज फार्म पर बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद पुराने वाले फार्म पर काफी गाय हैं, हम उनको भी दिखाएंगे। हाँ, जो अगर बजट में काऊ लेना चाहता है तो वहाँ भी देख सकता है जी। और जो मतलब जिनको एनिमल्स ही चाहिए और अच्छे लेवल के ही चाहिए जी, तो वो ऐसी गाय सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से हम उनका सिलेक्शन करवा देंगे। बिल्कुल जी, तो ये भी निकाल देंगे। ये दूसरी सर सेकंड टाइमर प्रेग्नेंट है जी,
और अभी मोटी मोटा ये मान के चलिए कि अभी निकाल देगी ये 10 दिन के ऊपर ऊपर। ये मिल्क वेंस 4 दांत है सर। पहले में खीरी में बच्चा दिया था इसने जी, और ये मिल्क वेंस जो बड़े एनिमल्स होते हैं। और पैर थोड़ा आगे करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ भी। ये थोड़ा रस्सी का बुरा मानती है सर जी, ये रस्सी का बुरा मानती है, इसी वजह से ये थोड़ा चलने में जी ये दिक्कत करती है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कदकाठी बनावट जी, बनावट की कदकाठी की बहुत अच्छी, और दूध भी देगी करीब 35 केजी के आसपास। अच्छा। ये अभी तो कच्ची है तो इसमें कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो जिन्होंने एनिमल रख रखे होंगे सर छोड़ दो वो सारी चीजें। कितना कितना टाइम लेगी बच्चा करने में? ये 10 दिन के ऊपर ऊपर जाएगी। अच्छा हाँ, अब ये चलेगी जी। इधर देख सकते हैं बिल्कुल 10 दिन से ज्यादा थोड़ा टाइम लेगी जी। हाँ, क्योंकि पूरा भी ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन मिल्क बेंच जिस तरह से पूरे ऑर्डर में दिखाई दे रहा भी है, इससे तो यही लग रहा है कि दूध देने की इसकी क्वालिटी बहुत। ये अभी बच्चा जब ये तैयार होके खड़ी होगी जी तो फिर बहुत। अब ऐसी गाय होती है सर, लोग बाग बोलते हैं 40 लीटर की गाय कैसी होती है, ऐसी होती है ऐसी होती। बस ये थोड़ा ये मौसम का प्रभाव है जी, नहीं तो फिर ऐसी गाय मिलती ही नहीं थी। मिलती नहीं जी, बिल्कुल सही है, बहुत ही बेहतरीन गाय। तो कितना इसका डिमांड आप रखे हैं सर? ये 120 की मिल जाएगी अगर कोई लेगा, 120 इसका डिमांड है। बाकी जी मान सम्मान है, कोई आएगा तो फिर देख लेंगे ऊपर नीचे जी जी। और 30 लीटर दूध, 35 केजी दूध करेगी सर। अच्छा हाँ, 32-33 केजी तक दूध दिया इसने फर्स्ट टाइम। और पीक पकड़ना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में हाँ, इतना ये परफेक्ट रहेगा जी। दूध थोड़ा कम हो जाता है गर्मी के मौसम में। मिल्क वेंस दिखा दीजिए आप, पूरे दोनों साइड में लगी हुई। हाँ, एक साइड में तो ये मतलब दूध वाले अडर्स होते हैं, दूध वाली वेंस होती है, जिस एनिमल्स को लगेगा वो कच्चा नहीं हो सकता, नहीं मिल्क में वो बढ़िया प्रोड्यूस करेगा। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने 4 गाय जो है, और अब हम दूसरी वीडियो बनेगी उसमें कुछ क्रॉस में और कुछ हाँ उसमें बजट में अगर कोई काऊ लेना चाहता 60-65-70-75 हज़ार के रेंज में जी, तो उसमें भी ये एनिमल्स हैं। कोई कहीं से भी आए जी, अपना देख सुन के परख के खूब बढ़िया से बढ़िया सिलेक्शन करके फिर गाय ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा शकील डेयरी फार्म की गाय, और चारों गाय बहुत ही बेहतरीन है। अगर किसी भाई को चाहिए तो एक बार स्क्रीन पर 3 नंबर भैया का चल रहा है, इन 3 नंबर से आप किसी नंबर पर संपर्क कीजिए और जानकारी कर सकते हैं। अच्छी गाय लेने के लिए एक बार जरूर शकील डेयरी फार्म पर संपर्क करें, और बहुत ही सूझबूझ समझदारी से खरीदारी भी करें। ये खुद भी बताते हैं ऐसा जी, क्यों भैया? जी बिल्कुल हाँ, ये ना रहे पैसे कहीं पेड़ पे नहीं लगते, नहीं लगते। अच्छी चीज में जैसे अच्छी चीज ले रहे हैं तो अच्छे पैसे भी इन्वेस्ट होंगे, तो सारी चीजें बारीकी से देख परख के समझ के फिर ये एनिमल परचेज करिए जी। तो बने रहिए, देखते रहिए, ऐसे हम वीडियो फिर लेकर आएंगे शकील डेयरी फार्म की, और आपको निश्चय ही अच्छी गाय यहाँ से मिलेंगी परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। तो बने रहिए, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। पशुपालक भाइयों, जय जवान जय किसान।